Hello everyone. In the last lesson of structure of atom, we got to know about the different atomic models that have changed over time. We learned about the Thomson model, the Rutherford model, and the drawbacks of the Rutherford model. Let's start with today's session. In this session, we are going to learn about the Bohr's model of an atom. So let us start with today's session. The important postulates on which Bohr's model is based are the following. So what do you mean by postulates? Postulates are the main points from the theory. First postulate, atoms has a nucleus where all protons and neutrons are present. What nucleus consists of? Nucleus consists of protons and neutrons. Atom mein ek nucleus hota hai, jahan protons aur neutrons present hote hain. Nucleus mein protons and neutrons present hote hain. The size of nucleus is very small, and it is present at the center of the atom. The nucleus ki jo size hoti hai, wo bahut choti hoti hai, and wo center mein present hota hai. This is the first postulate of the Bohr's model. Second postulate, negatively charged electron. As we all know, jo proton hota hai, wo positively charged hota hai, aur jo electron hota hai, wo negatively charged hota hai. So, the negatively charged electrons are revolving around the nucleus. What is nucleus? Nucleus is where protons and neutrons are present. The negatively charged electrons are revolving around the nucleus in the same way as the planets are revolving around the sun. जो electron होते हैं, जो negatively charged electron होते हैं, वो उसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जिस तरह हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर. इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर होता है. अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्यों लिखा है? अब ये बताइए, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं. दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, बट जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. मतलब एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो अट्रैक्ट करेगा. सो व्हाई न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हैज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन का चार्ज हम जानते हैं पॉजिटिव है, एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच. सो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपीयर्स टू एक्ट ऑन अ बॉडी दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो उस बॉडी पे लगता है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और जो उसे सेंटर से दूर ले जाता है. सो इधर हम क्या देख रहे हैं? जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जो उसे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ले जाता है इलेक्ट्रॉन को, वो इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपका एक फ्रेंड लेफ्ट हाथ खींच रहा है आपका और दूसरा फ्रेंड आपको राइट हाथ खींच रहा है सेम फोर्स से, तो आप किस तरफ जाएंगे? जब दोनों सेम फोर्स से आपको खींच रहे हैं लेफ्ट और राइट हाथ, तो आप सेम जगह पे रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा जब सेम फोर्स होगा. तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हो रहा है. जो इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है
वो इक्वल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? उससे पहले मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद मास पोजेसेस मोमेंटम। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर उसमें मास है तो उसमें मोमेंटम पोजेस करता है वो। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? सो कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जिसकी मास है वो एंगुलर मोमेंटम पोजेस करता है। सो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं जिन ऑर्बिटल्स का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई होता है। यहाँ पे इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी आर, एन हमने इंटीग्रल मल्टीपल को ले लिया है, एच बाय टू पाई, एन जो होगा वो एक होल नंबर होगा, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट। एग्जांपल देखिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज कैसे लेती है, लाइक एच बाय टू पाई, टू एच बाय टू पाई, थ्री एच बाय टू पाई, जहाँ एन की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, बट वो किसी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकते लाइक पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री। सो दिस वॉज द थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट, द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं जहाँ पे जैसे शेल वन लिखा है, शेल टू, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। क्यों हम इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं? बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। लाइक शेल वन की जो इनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है, शेल टू की जो इनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है, इसलिए इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट। नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट, each stationary orbit is associated with definite amount of energy. Like shell 1 has a fixed definite amount of energy, shell 2 has a definite amount of energy. Therefore, these orbits are also called as energy levels. इन्हें हम energy levels भी कहते हैं. Like shell 1 के पास जो energy है तो shell 2 के पास उससे ज्यादा energy है. That's why they are known as energy levels because they have definite amount of energy. And इन्हें हम number, हमने इन्हें number भी कर रखा है, like shell 1, shell 2, shell 3, shell 4, या आप shell 1 को K shell भी कह सकते हैं। K से start होता है ये, K L M N O and RKP. So this was the fifth postulate. Now sixth postulate. Emission or absorption of energy. What is emission? Emission means something that is released. So the emission, ye release or absorption of energy in the form of photon can only occur when electron jumps from one stationary state to another. Matlab electron agar energy release karta hai ya absorb karta hai, wo tabhi karta hai जब अगर मान लीजिए वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, या दूसरे शेल से दूसरे शेल में जाता है, शेल वन से टू में गया, या टू से थ्री में गया, या थ्री से टू में आया, तभी एमिशन या अब्सॉर्प्शन होगा। अगर वो सेम शेल में रिवॉल्व करता है तब कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। एनर्जी अब्सॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर ऑर्बिट में जाता है, लाइक शेल वन से अगर शेल टू में जाता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, बट एनर्जी एमिट होती है
व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट. अगर वो शेल थ्री से शेल टू में आता है या शेल टू से वन में आता है तो एनर्जी एमिट होती है. सो दिस वॉज द सिक्स्थ पोस्टुलेट. सो इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट Bohr's atomic model and its postulate. So that's all for today. Hope you have understood what we have learned today. Thank you and have a nice day.